बहादुरगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है, जबकि कई लोग अभी भी लापता हैं। आज बरामद हुए शव को पहचान के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। आपको बताएं कि शुक्रवार को केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका हुआ था, जिसके बाद से एनडीआरएफ समेत कई टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। शाम को 5 बजे से ऑपरेशन कंटिन्यू हुआ है और अभी भी चला हुआ है, और इसमें अभी टोटल 6 बॉडी एनडीआरएफ के द्वारा निकाली गई हैं, जिसमें कि 4 पूरी तरीके से आइडेंटिफाई कर ली गई हैं। ऑनर है फैक्ट्री का, ये 1816 का, तो उन्होंने बताया है कि उनके ड्राइवर की अभी बॉडी मिसिंग है, तो उसी एक बॉडी को सर्च करने के लिए अभी जो है एनडीआरएफ के द्वारा ऑपरेशन कंटिन्यू रखा गया। खबर पर और अपडेट हमें देंगे हमारे संवाददाता संजीत खन्ना, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजीत, क्या डिटेल्स अब तक इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के? देखिए मनोज, फिलहाल की जहां तक बात है, आज तीसरा दिन है और लगातार जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, दोनों टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। फिलहाल की जहां तक बात है, कल तक एसओ की जो संख्या थी वो 6 थी, लेकिन अभी जो है शाम को एक शव और बरामद हुआ है, तो कुल मिलाकर अब एसओ की जो संख्या है 7 हो गई है। घायलों की जहां तक बात है, वही आंकड़ा 30 से ज्यादा का है, जिसमें जो फैक्ट्री ओनर है राजन जैन, वो भी शामिल है घायलों में। तो फिलहाल की जहां तक बात है, लगातार प्रशासन और जो कर्मचारी दोनों टीमों के जुटे हुए हैं, तो पोकलैंड मशीनों के की सहायता से जो है लगभग जो मलबा था, भारी मलबा था, 80% काम निपटा दिया है। माना जा रहा है कि आज रात तक सारा मलबा हटा दिया जाएगा। जी मनोज जी, और शवों की शिनाख्त उनके परिजनों को सौंपे जाने का जो सिलसिला है वो सही तरीके से चल रहा है क्या? देखिए मनोज, शवों की शिनाख्त की जहाँ तक बात है, पहले 600 थे, 600 में से 4 की शिनाख्त हो गई थी, चारों के पोस्टमार्टम कराकर प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने जो है परिजनों को सौंप दिए हैं। 3 शवों की अभी पहचान होनी बाकी है, जिनके लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अंदेशा जरूर और लगाया जा रहा है कि शायद जो जिस तरह से लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, एक दो कर्मचारी और इस मलबे में दबा होने की संभावना अंदेशा जताया जा रहा है। मनोज, संजीत खन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। सोनपत की बटन फैक्ट्री में आग लगने से 8 मजदूर झुलस गए, 2 मजदूरों की हालत गंभीर बताई गई, इन्हें इलाज के लिए दिल्ली के जेबी पंत अस्पताल रेफर किया गया। फैक्ट्री में आग लगने के बाद अफरा तफरी का आलम रहा। हादसे के वक्त फैक्ट्री के पास से एक QRT गुजर रही थी, आसमान में धुएं के गुब्बार को देखने के बाद क्विक रिस्पॉन्स टीम ने बचाव कार्य फौरन शुरू किया, फैक्ट्री से मजदूरों को निकाला। सूचना मिलने पर दमकल कर्मी भी पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, और वजह इसके पीछे शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, इस दौरान फैक्ट्री मालिक राहुल जैन से भी पूछताछ की गई है। आग जो है अचानक लगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चला। जब ब्लास्ट हुआ तो मैं ऊपर काम कर रहा था, वहां से देखा चारों तरफ धुआं धुआं हो रहा है, आग पूरी तरह फैली हुई है। तो उधर से मैं भाग के इधर उधर चारों तरफ देखने लगा, तो कोई मतलब जो बंदे थे वो बचाने के चक्कर में इधर उधर जीना ढूंढे, कहीं जीना उनको नहीं मिला। हमने ऊपर से मोबाइल का टॉर्च दिखा के इशारा किया, आवाज लगाई, ये बेचारे चारों तरफ परेशान होकर फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी से जीना लेके एल्युमिनियम का लगाया और जीने के सहारे ऊपर से हमें नीचे उतारा। यहाँ पे इसमें 73 नंबर प्लॉट में आग लगी थी, हमने यहाँ पे आके मतलब जो आदमी 4-5 आदमी क्रिटिकल थे, इसमें 2 लोग तो ज्यादा क्रिटिकल हैं, 4-5 आदमी और हैं वे मतलब उनको हल्की हल्की लगी है, झुलसे हैं, और 2 आदमी ज्यादा क्रिटिकल हैं उनको वहाँ पे एडमिट करवा दिया है। किसने एडमिट कराया? जी, हमने ही एडमिट करवाया, नाइट पेट्रोलिंग टीम ने। कहाँ पे? राजा रिशंदर में, नरेला। ये बटन की फैक्ट्री है, जैसे ही सूचना मिली हम मौका पर आए हैं, फैक्ट्री में देखे हैं अंदर, जो 5 में जो है 5 आदमी जो है झुलसे हैं, 2 सीरीज हैं, 3 की नाजुक भी ठीक है, जो आग पर काबू पा लिया गया है, 3 फायर ब्रिगेड मौका पर आ गई थी, ठीक है, तो जो इंजर्ड है वो काफी है, उनसे भी जाकर इस बारे में पता जो है करेंगे, जांच करेंगे, इसके खिलाफ जो उचित कार्रवाई करेंगे।